रूस और यूक्रेन की युद्ध जैसी स्थिति बनने के बाद राजस्थान सहित पूरे देश भर के युवा यूक्रेन में दुविधा में फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर नीरज श्रीवास्तव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी लोग प्रयासरत हैं। वहीं इन छात्रों के परिजन और छात्र खुद लगातार चिंता में हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अकेले बाड़मेर जिले के 5 छात्र, जोधपुर के 3 छात्र और जालौर जिले के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार अभी तक सिर्फ 10 छात्रों की बात सामने आई है, लेकिन सुबह तक स्थिति क्लियर हो पाएगी कि पश्चिमी राजस्थान के कितने छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि इन छात्रों को वापस भारत लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर नीरज श्रीवास्तव और केंद्र सरकार से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाड़मेर के 2 छात्र कल रात को 9 बजे विमान से ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिनका संपर्क उनके परिजनों से नहीं होने के कारण उनके परिजन लगातार चिंतित हैं। वहीं बाड़मेर जिले के 3 अन्य छात्रों के भी परिजन लगातार चिंता में हैं और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनके छात्रों को वापस सुरक्षित भारत लाया जाए। इसी प्रकार जोधपुर के और जालौर के भी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिजन भी लगातार चिंता में हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनके छात्रों को वापस सुरक्षित इंडिया लाया जाए। इसी दौर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगाकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत के छात्रों को किस प्रकार से सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को 60 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज और अमेठी में जनता को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, परिवारवादी लोग अपने परिवार की शक्ति बढ़ाने और जनता पर राजाओं की तरह शासन करने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। पीएम मोदी ने प्रयागराज में कहा कि यूपी में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, यूपी के लोग भाजपा को और भाजपा के सहयोगी पार्टियों को भी भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। यूपी बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार यूपी को विकसित बनाने में दिन रात जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने कहा कि यह भूमि भगवान श्री राम और निषाद राज के मित्रता की भूमि है, निषाद राज के बिना प्रभु श्री राम की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस मिट्टी में शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून पसीना मिला हुआ है। पीएम मोदी ने अमेठी में कहा कि परिवारवादी लोग जमीनी हकीकत से इतने दूर है कि वह नहीं देख पाते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। हमारी ताकत बाहुबली और माफिया नहीं बल्कि यूपी की जनता है। पीएम मोदी ने दोनों रैलियों में कांग्रेस, सपा और बसपा को आड़े हाथ लिया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की जीत का भी दावा किया। हालांकि अब यह देखना होगा कि चुनावी ऊंट काउंटिंग के दिन किस करवट बैठता है। स्वर्गीय रामकिशन सियाग की 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में 701 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और PBM अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने किया। इस दौरान भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा, मदन गोपाल मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आयोजक विश्वाराम सियाग ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 11 सालों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें युवा भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लेते हैं। शिविर की खास बात ये रही, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने भी रक्तदान किया। नीरज पवन ने कहा कि निश्चित तौर पर ये एक प्रेरणा का विषय है कि एक फाउंडेशन पिछले 11 सालों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया है। संभागीय आयुक्त ने कहा कि युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही साथ संभागीय आयुक्त ने यह भी कहा कि PBM में जो रक्त संरक्षण करने की क्षमता है वो 500 यूनिट तक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी इसे 1000 यूनिट तक किया जाए। अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग स्टूडेंट पर नियत खराब होने के बाद उसकी निर्दयता से हत्या करने के बाद फरार हुए कोटा के निजी टीचर गौरव जैन की गिरफ्तारी की बड़ी चुनौती से पार पाने के बाद कोटा शहर पुलिस अब इस पूरी वारदात की तेजी से कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है, क्योंकि इस केस को पुलिस ने केस ऑफिसर इसके में लिया हुआ है। आज शहर पुलिस का एक दल SPCT केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में हत्यारे गौरव जैन को लेकर किशोर सागर तालाब के उस पॉइंट पर पहुंचा, जहां से वारदात करने के बाद इस हत्यारे टीचर ने अपना मोबाइल फोन तालाब के अंदर फेंक दिया था। बाद में निगम की गोताखोर दल ने कीचड़ और मलबे से भरे हुए तालाब की गहराइयों में डाइव करके और इस मोबाइल फोन को बड़ी मशक्कत से बरामद कर लिया।
एसपी सिटी शेखावत ने इस दौरान निगम के गोताखोर दल के प्रयासों की भी जमकर सराहना की और मौके से ऐलान किया कि नगर निगम के गोताखोर दल के प्रभारी विष्णु सरंगी को इस पूरे केस में बेहतरीन प्रयासों के लिए 21,000 के नकद इनाम के साथ नवाजा जाएगा, तो वहीं सभी 20 गोताखोरों को 11,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया जाएगा। तो साथ ही एसपी सिटी ने इस पूरे केस को खोलने में की रोल अदा करने वाले कोटा की पुलिस की साइबर सेल के प्रभारी एएसआई प्रताप सिंह को भी पदोन्नति की सिफारिश मुख्यालय भेजने के साथ ही 1,51,000 के नकद इनाम का ऐलान किया। आपको बता दें कि हत्यारे टीचर की गिरफ्तारी पर कोटा शहर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन कोटा के कोचिंग संस्थानों और कोटा के हॉस्टल एसोसिएशन ने कुल मिलाकर के 4,31,000 की इनामी राशि का ऐलान हत्यारे टीचर के सुराग देने पर घोषित किया था। बहरहाल पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे केस की कड़ियां जोड़कर हत्यारे टीचर के गुनाहों का जल्द से जल्द हिसाब किया जाए और पीड़िता तक इंसाफ पहुंचाया जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जो भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का अभियान है वो लगातार जारी रखा और भीलवाड़ा के जाजपुर तहसील के जो ऊंचा ग्राम पंचायत में एक कार्रवाई करते हुए पटवारी भेरुल सिंह गुजर को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से एसीबी की बूंदी टीम ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया जो कि इस रिश्वत के मामले को निपटाने में अहम भूमिका निभा रहा था। एसीबी के मुखिया भगवानलाल सोनी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई एक जो बजरी की टोलियाँ हैं जो भरी हुई थी, जो जाजपुर एसडीएम द्वारा कार्रवाई की गई थी पकड़ने की, उनको छुड़ाने के नाम पर मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि वेस्ट जो पटवारी है उसने 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, मगर दलाल मोहनलाल के हस्तक्षेप के बाद में 25,000 रुपए की रिश्वत लेने पर समझौता हुआ और 25,000 रुपए की रिश्वत पर लेने के बाद में टोलिया छोड़ने का आश्वासन दिया गया, मगर परिवादी ने अपना नाम गुप्त रखने के वादे के साथ में बूंदी एसीबी को इस पूरे मामले की सूचना दी। जब इसके बाद में एसीबी के मुखिया भगवान लाल सोनी के निर्देश में ये पूरी कार्रवाई की गई और आज भ्रष्ट पटवारी को गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम इस समय जो भ्रष्ट पटवारी पकड़ा गया है भैरव सिंह गुजर, उसके आवास व ठिकानों पर दबिश देकर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और वहां से भी दस्तावेज उसको खंगाल रही है। एसीबी की जो आज ये कार्रवाई हुई है और राजस्व मंडल में जिस तरह से भ्रष्टाचार थमने का नाम ले रहा है, इसी की वानगी एक बार फिर देखने को मिली है। अब एसीबी की जिस तरह से पटवारियों और खासतौर से राजस्व के लगे हुए अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है, इस कार्रवाई के बाद में क्या सिकंजे में आने वाले पटवारियों के पकड़े जाने के बाद में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। नागपुर के कामा कस्बे के अम्बेडकर सर्किल इलाके में आज भी दुकानदार और ग्राहक के बीच हुआ झगड़ा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दुकानदार पर ग्राहक ने की पत्थरबाजी। ग्राहक और दुकानदार में किसी सामान को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद ग्राहक ने फोन कर अपने गांव से कई दर्जन लोगों को बुला लिया। दुकानदार व उसके मकान पर हमला बोल दिया। 1 घंटे तक हमलावरों ने जमकर पथराव किया और लाठियां मांझी। हमलावरों ने करीब 1 घंटे तक जमकर तांडव मचाया। पथराव के बाद खाद विक्रेता के परिजनों को चोटें आईं और पथराव से मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलने पर कामा डीएसपी प्रदीप यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावरों को खदेड़ दिया। कामा पुलिस ने झगड़े में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मौके पर एहतियातन के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।